वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। लेकिन चिराग पासवान ने कई तरह के सवाल भी उठाए थे जी, और उसके बाद फिर मनाने का दौर चल रहा है कि मान जाए रामविलास पासवान जी। उन्होंने जो सवाल उठाया था, चाहे GST का मामला हो या अन्य कोई मामला हो, और उन्होंने राहुल गांधी जी का तारीफ किया, हमने उसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया है। जो अच्छा काम किए उसके लिए धन्यवाद दिए, और जो उनके एसोसिएशन का सवाल है NDA से, वो जब छोड़ के आएंगे तब ना हम उस पर कोई कमेंट करेंगे, अभी उस पर कोई उन पर टिप्पणी नहीं करना। अच्छा, बिहार में जो कल जिस तरह से हत्या हुई और BJP के कई विधायक भी सवाल खड़े कर रहे थे, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं कि BJP के विधायक खुद सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, चूँकि गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास? बहुत दल में बहुत ऐसे आदमी हैं जो सच बोलने के आदी होते हैं। सरकार अगर उनका है तो अगर आप उनसे पूछिएगा हत्या हुआ अच्छा हुआ तो क्या कहेंगे? आप लोग उनसे पूछे होंगे तो सच बात बताए होंगे, जो लॉ एंड ऑर्डर खराब है, हत्या हुआ उसकी भर्त्सना करते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। जो गलत हो उसको गलत कहना चाहिए। अच्छा अध्यक्ष जी, आप दिल्ली से आए हैं और जो तैयारी आप लोगों की चल रही है, महागठबंधन फिर से एकजुट है, और अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? नहीं, सीट का कोई मामला नहीं है, अभी सभी लोग मिलजुल के लड़ेंगे। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे वो कहाँ जाएंगे, सब लोग आ गए हैं, उसी तरह से आप लोग लगाते रहिए, लेकिन सीट में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी, सभी लोग बैठ के हम लोग तय कर लेंगे। 12 सीट से कम पर चुनाव लड़ेगी, पिछले बार कांग्रेस 12 सीट पर चुनाव, सीट कोई मायने नहीं रखता है, किससे अगर 12 सीट पहले लड़े थे तो दो ही अलायंस थे, अभी अभी हम लोग बहुत लोग आ रहे हैं, और हम लोग सीट बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है सीट का। मतलब घट सकते हैं ये माना जाए? सारे लोग ने कहा है, कल भी AICC के भाषण में, चाहे तेजस्वी जी हों, चाहे कुशवाहा जी हों, चाहे मांझी जी हों, सबों ने आप लोग को जो संबोधित किया है उसमें कहा है कि सीट कोई मायने नहीं रखता है, NDA को हराना है, और उसमें एक सीट आगे और पीछे उससे कोई मतलब नहीं है। NDA जो जन विरोधी सरकार जो है, जो झूठ बोल के सत्ता में आसीन है, उसको हटाने के लिए हम लोग सीट कम बेसी भी होगा कोई बात। RJD 20 सीटों पर तैयारी कर रही है, कल तो कैसे आप कर रहे हैं? तेजस्वी जी तो बोले कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम तो हम लोग मिलजुल के कर लेंगे, बट तो कल ही बोले हैं आज का 20 सीट के लायक RJD को आप नहीं मान रहे हैं? अरे सबको हम 40 सीट का मान रहे हैं, जितने लोग यहाँ हैं सब 40 सीट के लायक हैं, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो सब मिलजुल के बांट लेंगे।